नमस्ते दोस्तों, अरुणिता फैन चैनल में अरुणिता के फैंस का बहुत बहुत स्वागत है। लता मंगेशकर, आशा भोसले, साइकिलिंग अलका याग्निक, कविता, लास्ट श्रेया घोषाल, उसके बाद अगर है तो यू गॉट दैट। अपनी लाजवाब सिंगिंग के जरिए आज अरुणिता लाखों लोगों के दिलों पर राज करती है। हम जानते हैं कि अरुणिता के फैंस को अरुणिता की परफॉर्मेंस का, अरुणिता के वीडियो का बेसब्री से इंतजार रहता है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको ज्यादा इंतजार ना करवाएं। तो लीजिए, आपका इंतजार खत्म हुआ, हम आपके लिए अरुणिता की एक और परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। इंडियन आइडल ने अरुणिता को एक अलग पहचान, एक अलग जगह दिलाई है और आज हम आपके लिए इंडियन आइडल से ही अरुणिता का एक और अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं। 16 जनवरी को टेलीकास्ट हुआ इंडियन आइडल सीजन 12 का एपिसोड 15 एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड था, जिसमें सुरो की दुनिया के दो दिग्गजों, दो ग्रेट लेजेंड्स सदाबहार आर डी बर्मन जी और किशोर कुमार जी को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया गया था। इसलिए इस एपिसोड का नाम भी एवरग्रीन लेजेंड्स म्यूजिकल ट्रिब्यूट टू आर डी बर्मन एंड किशोर कुमार ही रखा गया था। इन दोनों लेजेंड्स की कंपोजिशन और सिंगिंग को दोहराना ही हर गायक के लिए बहुत गर्व की बात है और आज इस खास एपिसोड में अरुणिता ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए आर डी बर्मन जी द्वारा कंपोज किया हुआ और लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आपकी आंखों में कुछ महके हुए से में आई घर मूवी का रेखा जी पर पिक्चराइज्ड ये गाना उनके बेहतरीन गानों में से एक है। ऐसा लगता है गुलजार जी ने शायद उन्हें देखकर ही यह गाना लिखा था। किसी भी गाने से जब इतने बड़े बड़े महारथी जुड़े हो तो किसी भी सिंगर पर कितना प्रेशर होता होगा, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अरुणिता ने इस प्रेशर को बखूबी हैंडल किया और अपनी मधुर आवाज से सबको कायल कर दिया। इस खूबसूरत गाने को अरुणिता ने इतनी खूबसूरती से गाया कि हर कोई अरुणिता की आवाज की खुशबू से महक गया। इस स्पेशल म्यूजिकल ट्रिब्यूट में अरुणिता ने बखूबी अपना योगदान दिया और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हमेशा की तरह ये भी अरुणिता की एक बहुत ही खूबसूरत सुरमई मेलोडीज और सूदिंग परफॉर्मेंस थी। अरुणिता की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया जी, विशाल जी और नेहा कक्कड़ जी के मुंह से बस यही निकल रहा था, क्या बात है, वाह वाह। शो के स्पेशल गेस्ट अमित कुमार जी ने तो अरुणिता को एक परफेक्ट प्लेबैक सिंगर ही डिक्लेयर कर दिया। अरुणिता जी, मैं माइनोटली सुन रहा था एकदम बारीकी में, जाकर आपका जो वॉइस है एकदम हीरोइन ओरिएंटेड है, यू हैव अ हीरोइन वॉइस। जी हाँ, अरुणिता की आवाज को प्लेबैक सिंगिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट बताया। अरुणिता को हंसते मुस्कुराते हुए बड़े आराम से, बड़ी आसानी से, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से गाते हुए देखकर यकीन ही नहीं होता कि इतनी छोटी सी उम्र में अरुणिता इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। लगता है इंडियन आइडल के इस सफर में अरुणिता ने अपनी कमर कस ली है कि वह सबके बीच अपनी वो जगह बनाना चाहती है, जिससे लोग इंडियन आइडल के सफर के बाद भी उसे हमेशा याद रखें। अरुणिता की मधुर आवाज, सुरों पर मजबूत पकड़ और क्लासिकल सिंगिंग का नायाब हुनर सचमुच बेमिसाल है, जो लोगों को हैरान कर देता है। अरुणिता जब भी गाती है तो अपने सुरों से ऐसा समा बांध देती है कि हर कोई सब कुछ भूलकर उसी में खो जाता है। ऐसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस कभी खत्म ही ना हो और सुरों का ये तराना यूं ही चलता रहे। अरुणिता की इस परफॉर्मेंस को न केवल इंडियन आइडल के सेट पर खूब वाहवाही मिली, बल्कि अपने यूट्यूब अपलोड पर भी इस परफॉर्मेंस ने खूब धमाल मचाया। इस गाने को सोनी टीवी के यूट्यूब चैनल पर 5 बार अपलोड किया जा चुका है, उसी से हम पहले अपलोड के आंकड़े दे रहे हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी अपलोड लिंक दे रहा हूं, आप गाना देख और सुन सकते हैं। यूट्यूब पर सबसे पहला अपलोड से लेकर आज तक अरुणिता के इस वीडियो को 2.9 मिलियन व्यूज और 40,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। 1700 से ज्यादा लोगों ने कमेंट के जरिए अरुणिता की और उसकी बेहतरीन सिंगिंग की तारीफ की है। आइए अरुणिता को मिले कुछ बेहतरीन कमेंट आपको भी सुनाते हैं।
अरुणिता ने सबका दिल जीत ही लिया है, चाहे ट्रॉफी मिले चाहे नहीं मिले। अरुणिता तो विनर बन चुकी है। अरुणिता जब भी गाती है तब ऐसा लगता है कि वह किसी कंपटीशन के लिए नहीं गा रही, केवल अपने दिल और आत्मा के लिए गा रही है। अरुणिता इज रियली ए क्लास अपार्ट। अरुणिता विल रूल द म्यूजिक इंडस्ट्री। शी इज अ क्लास बाय हरसेल्फ। अरुणिता's सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड रेनिटेशन इज रियली अमेजिंग। प्योर ब्लिस लिसनिंग टू हर। अरुणिता इज न्यू लता जी एंड श्रेया जी इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। अनबिलीवेबल, टैलेंटेड, गिफ्टेड, सच ए सब्लाइम प्योर स्मूथ परफेक्ट वॉइस, वेरी सोलफुल एंड मेलोडियस वॉइस, फैंटास्टिक सिंगिंग, सच ए लवली वॉइस एंड लवली पर्सनैलिटी, टेरिफिक स्टेज प्रेजेंस। आई ऑलवेज लिसन अगेन एंड अगेन टू सच ए प्योर एंड अमेजिंग वॉइस। आपको अरुणिता की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अरुणिता की एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ एक और नए अमेजिंग वीडियो के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।